इस बार के May 25 का जो हमारा CA इंटरमीडिएट का बैच स्टार्ट हो रहा है 7th of August से, जिसमें मैं आपको लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, इस बैच में स्पेशल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लॉ पढ़ेंगे इस बैच में, आपकी सबसे मेजर दिक्कत, आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम रही है CA फाउंडेशन में, लॉ को लिखना नहीं आता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत रही है आपकी कि कॉन्सेप्ट्स पे उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। एंड तीसरी चीज, आपको अपने आप रिविजन करने में प्रॉब्लम आती थी, राइट? दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड इन CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन का तो सिलेबस इतना था, लेकिन CA इंटर में जो तुम पढ़ने वाले हो वो बहुत ज्यादा वास्ट होने वाला है। बहुत डीपली आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं CA इंटरमीडिएट में। तो ऐसा क्या खास करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आपने CA फाउंडेशन के इतने से सिलेबस में फेस की थी, वो इतने बड़े सिलेबस में हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करने वाले हैं, किस तरीके से इस बैच में लॉ पढ़ेंगे और क्या स्पेशल होगा इधर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट थिंग, प्राइम फोकस क्लास में रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कि अगर एक लॉ बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, फर्स्ट फोकस उस पे होगा, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दूसरा जो आपका दिक्कत था CA फाउंडेशन में, दैट इज लॉ को अपने आप रिवाइज नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए मैं इस बैच में आपके साथ एक एक्स्ट्रा बुक शेयर करने वाली हूं, जो मेरी है समरी बुक। अब ये बुक एक ऐसी बुक है कि इससे आप चैप्टर्स को, ये एक स्मार्ट समरी नोट्स है, ये स्मार्ट समरी नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स चार्ट मैनर में प्रेजेंटेड है। तो इस एक बुक से पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद हम इस बुक से रिविजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप इस बुक से कभी भी पूरे के पूरे चैप्टर्स को आधे आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो। ये एक इस तरीके की बुक बनाई है, बहुत मेहनत से ये बुक बनाई गई है। तो जो आपकी दूसरी दिक्कत थी कि आपसे रिविजन अच्छे से नहीं हो पाते, तो ये है आपका सोल्यूशन। मैं भी आपको इससे रिवाइज करवाऊंगी और बाद में आपके लिए भी इस बुक से रिविजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो हम फोकस करने वाले हैं इस बैच में, वो ये होगा कि रोज आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क का, जो आप लिख कर लाएंगे, जिसे हम क्लास में देखेंगे। तो क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैम राइटिंग प्रैक्टिस सिलेबस होने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। राइटिंग प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली क्लास के साथ सीखनी है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली हो जाएगी। तो बैच के अंदर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, चैप्टर्स को रिवाइज भी करेंगे, एंड हम साइमल्टेनियसली राइटिंग भी करेंगे। दैट मीन्स आपको मैं रोज एक होमवर्क दूंगी और हम देखेंगे कि आप उस होमवर्क को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो साइमल्टेनियसली आप लिखना भी सीख जाओगे, एंड MCQ प्रैक्टिस आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर हम करने वाले हैं, क्योंकि लॉ में 30 मार्क्स का वेटेज MCQs को मिलता है। तो मैं आप सबके साथ एक बात बताऊं, मैं आपके साथ क्या क्या बुक शेयर करने वाली हूं। एक आपको मिलेगी मेरी MCQ बुक, जिससे हम हर चैप्टर्स के MCQs शेयर करेंगे, जिसमें RTPs, MTPs, ICAI के जितने भी MCQs हैं वो कवर्ड होंगे। दूसरी होगी मेरी मेन बुक, जिससे हम पढ़ेंगे, जिससे हम ईच एंड एवरी डिटेल पढ़ेंगे, सारी चीजें जो आपकी स्टडी मटेरियल में कवर्ड है वो इस बुक में कवर्ड होगी। तीसरी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी, ये प्यारी सी समरी बुक, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में हाई स्कोर करवाएगी। एंड इसके साथ साथ आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी मेरी बुक मिलेगी, जिसमें हर चैप्टर के ऊपर RTP MTP बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं, वो होंगे। तो ये बुक्स आपके साथ शेयर की जाएगी। सो तैयार हो जाइए, फटाफट जाके अल्टीमेट CA के वेबसाइट पे जाके आप हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, एंड मिलते हैं बैच में जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 7th of August। सी यू ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैच को लेकर, मुझे चैट में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, बाय बाय।